हेलो। हेलो रिन्नी, गुड आफ्टरनून। एक बार ग्रुप में रिन्नी डाल दो ना, सेशन है स्टार्टेड तो सब लोग ज्वाइन हो जाए करके। रिनी ग्रुप में डाल दीजिए, सेशन है स्टार्टेड तो सब लोग ज्वाइन हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। तीन बज गए हैं ना? हेलो शवनी, हेलो गुड आफ्टरनून। हेलो मनसा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज बहुत स्लो है सब लोग। 3 बज गए हैं, ओनली 3 पीपल आर लाइव। हेलो सुधा, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? हेलो हिमा, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? एम आई क्लियर? हेलो सुधा, ओके थैंक यू रिनी। आई एम ऑडिबल एंड विजिबल? क्लियर है आवाज़ और मेरे विजिबल क्लियर है? लाइट इफेक्ट? टुडे? हेलो, होप सो सबकी, हाउ आर यू ऑल डूइंग? वेल एंड फाइन? हाँ, क्लाइमेट अभी थोड़ा एकदम ड्राई हो गया है, ठंडी बढ़ गई है। आप लोग के यहाँ तो बहुत ठंड होगी अभी, शायद स्वेटर्स भी पहनने शुरू कर दिए होंगे। बॉम्बे में है थोड़ी ठंडी, इतनी सारी ठंडी नहीं है, लेकिन सुबह शाम को ठंडी अच्छी रहती है। दोपहर को अभी ये टाइम पे थोड़ा गर्मी शुरू हो जाती है। टुडे सब्जेक्ट इज ऑल इज़ वेल, वेरी नाइस, वेरी गुड। आ सब्जेक्ट टुडे इज हंगेरियन फोक आर्ट। हंगेरियन फोक आर्ट एक यूरोपियन कंट्री का आर्ट है, हंगेरी का। यूरोप में एक सिटी है, टाउन है छोटा सा हंगेरी, ये वहाँ का फोक आर्ट है। तो वहाँ के जो लोकल पब्लिक है ना, ये फोक आर्ट में क्या करते हैं, वहाँ पे लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों ही आर्ट में काम करते हैं। वो लोग मशीन से एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं, हाथ से पेंटिंग भी करते हैं, अपने घर भी सजाते हैं, फ्रेम्स भी बनाते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी एम्ब्रॉयडरी मशीन से भी करते हैं और हाथ से भी करते हैं। लेकिन आजकल अभी किसी को भी बोलो सुई धागा लेके काम करने के लिए तो उन्हें बहुत कंटाला आता है। तो हम लोगों ने इसके बीच का रास्ता निकाला, और अपना कलर्स तो अपने पास है ही है, फेविक्रिल के कलर्स बहुत प्यारे सॉफ्ट कलर्स है। तो इन कलर के साथ में वापस आजकल के जैसे ही मैं आज खेलने वाली हूँ। कल का किसको पसंद आया वर्कशॉप, प्लीज़ टेल मी येस। कल का वर्कशॉप कैसे लगा आपको? कल का वर्कशॉप कैसा था? सबको मज़ा आया कल के वर्कशॉप में? थैंक यू हिमा। बहुत लोगों को थोड़ा थोड़ा टाई एंड डाई आता होगा, बेसिक आता होगा, लेकिन एडवांस में मैंने 3-4 आइटम आपको एडवांस की भी सिखाई थी, तो शायद बहुत लोगों को पसंद आया नहीं आया, आई डोंट नो। सबमिशंस नहीं मिले हैं मुझे, तो मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। हर्षा ठक्कर, थैंक यू वेरी मच, यू लाइक द
वर्कशॉप यस्टरडे, आज का भी इतना ही इंटरेस्टिंग वर्कशॉप है। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे दो प्रिंटआउट्स डाले हुए थे, एक ये था और एक ये वाला था। दो में से कोई भी एक डिज़ाइन आपको प्रिंट आउट निकालना था एंड प्रिंट करना था कार्बन पेपर। अच्छा, बहुत लोगों ने बताया कि मैम कार्बन पेपर क्या होता है, व्हाट इज़ कार्बन पेपर। कार्बन पेपर थैंक यू दोहिता। कार्बन पेपर क्या होता है, कार्बन पेपर मतलब ऐसा वाला पेपर आता है कोर्स का, जिससे आप आपकी कोई भी डिज़ाइन आप ट्रेस कर सकते हो। इसमें कार्बन पेपर में ब्लू कलर आता है, वाइट कलर आता है, रेड कलर आता है, ब्लैक कलर आता है। लेकिन हम ब्लैक एंड ब्लू कलर क्यों नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज इसकी इंक बहुत फेड होती है, तो उसकी वजह से हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। इससे बदले में हम लोग ब्लैक एंड येलो कलर का ही कार्बन, दिस इज़ द वाइट कलर का, और उसके पहले मैंने बताया था वो था येलो कलर का कार्बन पेपर। ये ऐसा कार्बन पेपर आता है, बैक साइड ये, दिस इज़ द रॉन्ग साइड एंड दिस इज़ द राइट साइड। इसको हम पेपर के ऊपर रख के फिर ट्रेस करते हैं। डिज़ाइंस कल आपको मैंने बता दी थी आपको, दोनों में से कोई भी एक डिज़ाइन ट्रेस करनी है। ये दो डिज़ाइंस थी, सबने व्हाट्सएप पे देख ली होंगी डिज़ाइंस, राइट। ये दो डिज़ाइन थी, इसके अलावा आप पिंट्रेस्ट पे, गूगल पे और भी हंगेरियन ओके, आपके यहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। कहाँ हो आप हर्षा जी, कहाँ से बोल रही हैं आप, कहाँ रहते हैं आप? ओके, चलो वो रिप्लाई बाद में देंगी, तो उसकी वजह से। अदरवाइज आपके पास जो वाइट कलर का पेंसिल रहेगा तो वाइट कलर के पेंसिल से भी आप ट्रेस कर सकते हो। फिर मैंने आपको बरोडा में तो बहुत इजीली मिल जाते हैं ट्रेसिंग पेपर्स, अपना ये कार्बन पेपर। बरोडा तो बहुत बड़ा सिटी है, आप कोई भी बड़े वाले स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे तो आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। या गुजरात में बरोडा पता है, बड़ोदरा इट इज राइट, लेकिन वहां पे तो स्टेशनरी की शॉप्स भी बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी वाली है, तो आपको वहां पे तो आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक स्टोर थोड़ा बड़ा वाला ढूंढना, छोटे स्टोर में मत जाइएगा, या तो फिर कोई स्टेशनरी या क्राफ्ट की शॉप जहाँ पे है ना वहां पे तो आपको मिल ही जाएगा। फिर मैंने ब्लैक कलर का कैनवास बोर्ड बोला था, और हार्ड बोर्ड या माउंट बोर्ड जो भी आपके पास है, लेकिन थोड़ा थिक क्वालिटी का लेना। उसके ऊपर मैंने बताया था ब्लैक कलर का, दो बार इसको आपको कोट देना था एक्रेलिक कलर का, एंड आफ्टर दैट उसके बाद में मैंने ट्रेसिंग किया था। अभी सबको पता है ट्रेसिंग कैसे करते हैं, सेंटर ढूंढिए, इसके ऊपर कार्बन पेपर रखिए, फिर उसके बाद में डिज़ाइन वाला पेपर रखिए एंड बॉल पेन से ट्रेस कीजिए। बॉल पेन से ट्रेस करेंगे तो एकदम फाइन और पतला वाला ट्रेस आएगा आपको। लाइट ज्यादा आ रही है आप लोग को कि लाइट इज ओके, शाइन नहीं हो रहा है ना, शाइन नहीं हो रहा है ना, ग्लेयर आ रहा है, प्लीज कोई रिप्लाई दीजिए, ग्लेयर नहीं आ रहा है ना, नहीं तो मैं लाइट स्विच ऑफ कर दूं। अगर ऐसे लाइट शाइनिंग आ रही है तो आपको मेरा आर्टिकल नहीं दिखेगा। ओके और फिर बाद में दूसरा हमारा प्रोडक्ट आज का है एक्रेलिक कलर्स। ये पेंटिंग कलरफुल रहती है और बहुत ही ब्राइट कलर्स से पेंटिंग बनती है। मैं आपको मेरे पहले किए हुए आर्टिकल्स में आपको बताऊंगी। परफेक्ट है, ओके हर्षा, थैंक यू। दिस इज द आर्टिकल विच आई हैड डन। ये मैंने एक डिजाइन बनाई थी ऑलरेडी, मैंने ये कर चुकी हूँ, तो मैं दूसरा डिजाइन मैंने लिया है। दिस इज द हंगेरियन फोक आर्ट। मैंने उसका आपको कलर्ड पिक्चर नहीं दिखाया था बिकॉज कल ओके, तो आज दिस इज द इतना ब्राइट एंड कलरफुल फ्रेम बनता है ये, तो आज हम ऐसे ही वापस कलर से खेलेंगे, ऐसे ही वापस आज वापस कलर से हम खेलने वाले हैं। सो वी कैन स्टार्ट अ वर्क नाउ, आर ऑल ऑफ यू रेडी? आई थिंक सो।
सारे कंटेस्टेंट्स अब पार्टिसिपेंट्स आ चुके हैं, तो वी कैन स्टार्ट. थैंक यू शिप्राश, इट्स क्लियर. ओके, अब के आज ब्रशेस हमें एक नंबर या जीरो नंबर, इससे मोटे ब्रशेस भी नहीं लगने वाले हैं इसमें, क्योंकि मेरे डिजाइन में फ्लावर्स बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसमें बहुत बारीकी का काम रहता है, तो बारीकी के काम के लिए वी विल रिक्वायर जीरो और वन नंबर का ही ब्रश लगेगा. इससे ज्यादा मोटा ब्रश हमें आज नहीं लगने वाला है. एंड टुडे मैं कलर्स लेने वाली हूँ एंड अ पैलेट. ऑफकोर्स पैलेट तो लगेगा ही हमें एंड रफ क्लॉथ. ओके, तो टुडे माय कलर कॉम्बिनेशन विल बी, मैं बहुत सारे कलर्स से खेलूंगी आज, येलो रेड पिंक पर्पल वायलेट और ऑरेंज एंड बहुत कुछ. सो ब्लैक कलर सबने कर लिया होगा. मैम आई कैन यूज पोस्टर कलर्स इंस्टेड ऑफ एक्रेलिक कलर. सुधा जी, अगर आप पोस्टर कलर्स में आपका आर्टिकल ना इतना ग्लो एंड शाइन नहीं आएगा. अगर एक्रेलिक कलर्स, पोस्टर कलर्स ना पेपर के ऊपर चलते हैं, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए उसका इफेक्ट और एक्रेलिक कलर्स का इफेक्ट में कितना फर्क आता है. बिकॉज पोस्टर कलर्स ना पानी मिक्स करोगे, पानी मिक्स करोगे तो कलर में जान चली जाती है. और एक्रेलिक कलर्स में ऑलरेडी ओनली एक्रेलिक कलर्स ही यूज कीजिए, पोस्टर्स कलर्स प्लीज यूज मत कीजिए. बिकॉज पोस्टर कलर्स से ना कलर्स में डलनेस आ जाती है, शाइन नहीं आती है कलर्स में. सो फर्स्ट टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद येलो कलर. मेरा जितना भी अंदर में जो येलो का काम है, फर्स्ट आई विल बी कंप्लीटिंग येलो कलर. ओके, तो अगर आपके पास में पोस्टर कलर्स है तो यू कैन स्टार्ट विद योर पोस्टर कलर्स. अभी मैं मेरा मोबाइल कैमरा में वर्क टिल्ट कर रही हूँ मेरे वर्क प्लेस पे. ओके, सो फर्स्ट आई विल बी टेकिंग इज येलो कलर. जहां पे भी मुझे येलो कलर लेना है तो आई विल कंप्लीट येलो कलर. एक्रेलिक कलर्स एंड फैब्रिक कलर्स में डिफरेंस क्या है? एक्रेलिक कलर्स थोड़े हार्ड होते हैं, फैब्रिक कलर्स थोड़े सॉफ्ट होते हैं. इफ अगर आप कपड़े के ऊपर कोई कलरिंग पेंटिंग का काम कर रहे हैं आप, देन यू हैव टू यूज इज फैब्रिक कलर्स ओनली. फैब्रिक कलर्स अगर यूज नहीं करेंगे तो आपका कपड़ा है ना थोड़ा कड़क हो जाएगा, और एक्रेलिक कलर्स में वॉश करने के बाद में भी कलर कपड़ा आपका सॉफ्ट ही रहेगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन. है दोनों ये सेम है, कहीं कुछ कलर निकलेगा नहीं, जाएगा नहीं, कुछ नहीं, बट ओनली इश्यू इज दैट आपके कपड़ा थोड़ा हार्ड हो जाता है. सो मैंने एक नंबर का ब्रश लिया है एंड आई एम स्टार्टिंग विद द, जहां जहां पे मुझे येलो कलर, ऑलवेज डू विट लाइट कलर्स पहले और डार्क कलर्स बाद में लीजिए. सो टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद द लाइट कलर्स फर्स्ट. तो जहां मुझे येलो करना है मैं वहां पे येलो से शुरू कर रही हूं. एंड ब्रशेस भी अच्छे वाले ब्रशेस यूज कीजिए, तो उसमें आपका पॉइंट भी अच्छा आएगा और आपका काम भी अलग. फैब्रिक इज फॉर क्लॉथ, यस रिनी थैंक यू. आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, बट जितना आप फैब्रिक पे ये करेंगे तो आपका कपड़ा भी अच्छा रहेगा और सॉफ्टनेस आएगी आपके कपड़े में. फॉर दैट रीजन आई एम टेलिंग यू, बाकी नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम इश्यू नहीं है. ठीक है, सो आई थिंक सो मैक्सिमम सारे के सारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं आज के सेशन के लिए. सो आई एम स्टार्टिंग माय वर्क प्लेस. सबको विजिबल है ना काम मेरा, तो आई एम स्टार्टिंग. ओके, पहले मैंने येलो कलर लिया है, येलो कलर से, और ये ब्लैक कलर के ऊपर येलो कलर भी थोड़ा लाइट होगा, तो एक बार सूख जाने के बाद में अगेन यू गिव अ सेकेंड कोट ऑफ येलो. जितने भी कलर्स लाइट कलर्स रहेंगे ना, सॉफ्ट कलर्स, उनको एक बार आपको हमेशा सूख जाने के बाद में सेकेंड कोट आपको येलो देना ही पड़ेगा.
यू हैव टू गिव टू कोट्स ऑफ येलो कलर. एक बार में आपका कलर नहीं उठ के आएगा. तो जहां पे भी फ्लावर्स के अंदर का जो पोलन का पोर्शन है उसको मैं येलो से कवर कलर कर रही हूँ. आई हैव स्टार्टेड माई वर्क. मैं अपना काम शुरू कर दिया है. जितना भी पहले येलो कलर है मैं येलो कंप्लीट कर रही हूँ पेंटिंग में. और पूरे ब्राइट कलर से ही आज काम करेंगे. बिल्कुल भी डल कलर्स नहीं यूज करेंगे आज हम. येलो कलर पतला रहता है. यू विल हैव टू रिक्वायर अप्लाई टू कोट्स ऑफ येलो. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. मुझे जहां पे भी येलो की अभी है, एक बार मैंने ब्रश में येलो ले लिया है तो जितना भी येलो कलर रहेगा मैं उतना येलो फिनिश कर रही हूँ पहले. सो दैट मूव लेटर ऑन आई कैन मूव टू दी अदर कलर. ओके येलो का फिलहाल अभी मेरा काम खत्म हो गया. नाउ आई एम टेकिंग इज ऑरेंज कलर. वी विल गो स्टेप बाय स्टेप. और हमेशा जैसे काम खत्म होता है अपने बॉटल के कैप्स बंद कर दीजिए. कलर्स ड्राई होके थिक हो जाते हैं. सो फॉर दैट रीजन एंड कीप ऑन रफ क्लॉथ ऑलवेज अलोंग विथ यू. नाउ आई एम टेकिंग ऑरेंज कलर. और हमेशा ब्रश को ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में ही रखिएगा तो आपकी बहुत फाइन लाइंस आएंगी और आपका आर्टिकल भी बहुत अच्छा बनेगा. ऑलवेज ब्रश को स्टैंडिंग पोजीशन में ही लीजिए सो दैट योर आर्टिकल विल गेट फाइन थिन लाइंस. आई एम यूजिंग ब्रश नंबर 1. आज इसमें मोटे ब्रश फ्लैट ब्रश किसी का कहीं पे भी कोई जरूरत नहीं है. हंगेरियन आर्ट है. दिस आर्टिस्ट फ्रॉम यूरोप. वहाँ के आर्टिशंस मेन एंड वुमेन ये लोग ये काम करते हैं. एम्ब्रॉयडरी में भी करते हैं पेंटिंग्स भी करते हैं अपने घर भी सजाते हैं. मैं पहले फ्लावर के अंदर का बड कंप्लीट कर रही हूँ. मोस्टली वो लोग फ्लावर फ्लोरल डिजाइन ही ज्यादा पसंद करते हैं और कोई फिगर्स पिक्चर्स ऐसे कुछ नहीं होता है उनके यहाँ पे. दे ऑलवेज प्रेफर इज फ्लोरल डिजाइन ओनली. कितने लोग साथ में कर रहे हैं आज. एनी वन ड्रिंग अलोंग. मेरा ऑरेंज का भी काम खत्म हो गया है. नाउ आई विल टेक रेड कलर क्रिम्सन रेड कलर. आई एम टेकिंग क्रिम्सन रेड कलर और मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक ऐड करूंगी. तो मुझे ये कलर बनाना है तो मुझे जितना कलर लगेगा मैं ये कलर इकट्ठा एक साथ में बना लूंगी. सो दैट आई विल गेट द सेम शेड फॉर ऑल द फ्लावर्स. जहां जहां मुझे करना है मैं क्रिम्जन रेड में थोड़ा सा ब्लैक एक टिंज ऑफ ब्लैक कलर सिर्फ एक राई के दाने के जितना ही मैं ब्लैक यूज डालूंगी. सो दैट आई विल गेट द मैरून कलर इफेक्ट.
सिर्फ अ ड्रॉप ऑफ ब्लैक कलर, एक राई के दाने के जितना ही मैं उसमें ऐड कर रही हूँ, आई विल गेट अ मरून कलर। थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो ब्लैक टोन आ जाएगा। अब सिर्फ एक या दो बूंद पानी डालूंगी, बिकॉज व्हेन वी दो कलर मिक्स करते हैं तो एक या दो बूंद पानी डाल के उसको डाइल्यूट कीजिए, ज्यादा पानी मत लीजिएगा, सिर्फ 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। आई हैव डाइल्यूटेड द कलर। व्हेन यू आर एडिंग टू कलर्स टुगेदर, हमेशा एक या दो बूंद उसमें पानी मिक्स कीजिए। मैं आई हैव स्टार्टेड पेंटिंग द पेटल्स ऑफ द फ्लावर नाउ, स्टेप बाय स्टेप। एक एक फ्लावर लेंगे, सब इकट्ठा साथ में नहीं होगा। मेन थिंग इज कलर कॉम्बिनेशन ही इसमें मेन है। अगर आपका कलर कॉम्बिनेशन अच्छा आया तो ऑटोमेटिकली आपके फ्लावर की डिजाइन पेंटिंग बहुत सुंदर और बढ़िया बनेगी। बहुत पेशेंस का काम है, बारीकाई से काम करना है तो थोड़ा पेशेंस से काम लेना पड़ेगा। द अपर पोर्शन आई हैव कंप्लीटेड विद मरून कलर। इसके अंदर ही अगर सेम फ्लावर में कॉम्बिनेशन, आई एम टेकिंग ऑफ ऑरेंज कलर नाउ। इसी में मैं ऑरेंज कलर से अंदर के फ्लावर में अभी दूसरा कर रही हूँ। एक ही फ्लावर में आप 3 4 कलर का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी दैट योर फ्लावर शुड बी योर 1 कलर ओनली। जितने कॉम्बिनेशंस ब्राइट लाइट डार्क रहेंगे बहुत अच्छा बनेगा। बॉर्डर लाइन पहले कंप्लीट कीजिए, देन अंदर का फिलिंग बाद में कीजिए, सो दैट यू विल गेट द एग्जैक्ट शेप ऑफ द फ्लावर। कोई भी ड्राइंग में पहले बॉर्डर्स कंप्लीट कीजिए, बॉर्डर होने के बाद में इंटरनल फिलिंग आपको बाद में करना है। अगेन ऑरेंज इज ऑल्सो अ वेरी थिन कलर, मुझे इसमें 2 कोट देने पड़ेंगे। अभी इसके अंदर और एक पेटल है, वहां पे अगेन आई विल बी टेकिंग थोड़ा सा। मैं वापस रेड कलर ले रही हूँ, उसके अंदर आई विल बी फिलिंग इज रेड कलर। थोड़ा सा शेडिंग भी कर सकते हैं, यू कैन मर्ज द कलर विद येलो एंड ऑरेंज एंड गिव अ गुड शेड ऑल्सो। ऐसे ये मेरा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया, दिख रहा है। आई हैव कंप्लीटेड 1 फ्लावर। इसमें हाथ धीरे से चलाना है,
बिल्कुल भी घाई मत कीजिएगा पेंटिंग करने के लिए, बिकॉज बहुत ही बारीक काम है, तो मोटा काम नहीं चलेगा, बड़े बड़े फ्लावर्स वाले मोटा काम नहीं चलेगा इसमें। अगेन आई विल बी टेकिंग येलो कलर। कलर थिन है तो उसको सूखने के बाद में दो बार ये देखिए, मैं दिस वन फ्लावर इज रेडी। ऐसे ब्राइट कलर से आपको पूरा डिजाइन कलर करना है। गाइस मजा आ रहा है? आर यू ऑल एंजॉयिंग टुडे? प्लीज मेरे साथ बातें कीजिए आज थोड़ा, नहीं तो मैं भी बोर हो जाऊंगी आज तो। मैंने वापस दूसरा फ्लावर लिया, उसमें भी मैं ऑरेंज कलर ही कर रही हूँ। मेजॉरिटी इंटरनल फिलिंग विल बी विद येलो एंड ऑरेंज कलर ओनली। बाहर की जो फ्लावर की पेटल्स आएंगी दैट विल बी विद कलरफुल। नाउ वेयर एवर मुझे मरून कलर करना है, पहले मैं वो मरून कलर कंप्लीट कर दूंगी सो दैट मेरा कलर जो बना हुआ है वो ड्राई ना हो जाए और वेस्ट ना जाए। सो आई विल बी फिलिंग वेयर एवर मुझे मरून कलर के फ्लावर्स बनाने हैं, सो आई विल बी कंप्लीटिंग दैट पोर्शन फर्स्ट। थोड़ा सा मैं इसमें अभी येलो मिक्स कर रही हूँ, जस्ट ब्रश में ही मैंने येलो मिक्स किया है साथ में, मैं कलर में कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ऊपर जितना मरून के साथ में येलो आएगा मैं उसका शेडिंग ले रही हूँ। जहाँ जहाँ कलर घूमेगा, ब्रश घूमेगा, वहाँ पे लाइट डार्क शेड आता जाएगा। एज माई ब्रश इज मूविंग द शेड इज कमिंग आउट, नया कलर का एक शेड ऑटोमेटिकली आएगा। मैंने कोई कुछ नहीं किया, मैरून कलर में सिर्फ येलो कलर मिक्स किया था एंड आई एम गेटिंग दिस शेड। ये देखिए ऑटोमेटिकली आई गॉट दिस शेड, गॉट इट? अगेन आई एम डिपिंग माई ब्रश इन मैरून कलर। मैंने बहुत सारा मरून कलर बना लिया है, सो जितना भी पहले मरून करना है आई एम कंप्लीटिंग दैट वर्क फास्ट, बिकॉज फैन चल रहा है तो कलर भी जल्दी सूख रहा है एंड द सेम शेड अगेन वापस दोबारा नहीं बनेगा। आई एम जस्ट एडिंग अ टिप ऑफ वाटर सो दैट मेरा कलर ड्राई ना हो जाए, क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड है तो जल्दी से कलर सूख जाता है।
ऐसे मैंने पूरा मरून कर लिया है। ये फ्लावर भी इसके अंदर अभी मैं येलो कलर से फिलिंग कर रही हूँ। बॉर्डर लाइंस पहले कवर करना है, फिर इंटरनल कलरिंग करना है। बहुत बारीकी का काम है। मैंने जो डिज़ाइन आज सिलेक्ट की है उसमें बहुत पतला काम है। दूसरी वाली डिज़ाइन में ओनली सिंपल फ्लावर्स हैं तो उसमें आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी फॉर द बिगनर्स, लेकिन मैंने जो आज डिज़ाइन चूज की है उसमें बहुत बारीक काम है तो उसकी वजह से थोड़ा मुझे बहुत धीरे से और पेशेंटली काम करना पड़ रहा है। अगेन आई एम टेकिंग ऑरेंज कलर एंड फिलिंग द रेस्ट ऑफ द पेटल्स। ये हो गया मेरा सेकेंड फ्लावर आ गया। एक फ्लावर मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। आई एम गिविंग द सेकेंड कोट ऑफ येलो एज मेरा वो फर्स्ट कोट ड्राई हो चुका है। उसमें मैंने हल्का सा थोड़ा सा ब्रश में ऑरेंज कलर लिया है, तो जहाँ जहाँ जैसे ब्रश घूमेगा वैसे वैसे इसमें ऑरेंज कलर का शेड आता जाएगा। रैंडमली कहीं पे भी आएगा, नॉट कंपल्सरी के यहीं पे आएगा, ये कहीं पे भी आएगा। जैसे जैसे मेरा ब्रश घूम रहा है वहाँ वहाँ थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर का टिंट आता जाएगा। मैं थोड़ा सा एक ऑरेंज कलर लिया था तो ये मेरा शेडिंग ऑरेंज कलर का हो गया है। ओके अगेन आई एम टेकिंग येलो कलर। नाउ आई एम टेकिंग अगेन ऑरेंज कलर। तो मेरा येलो ऑरेंज एंड मरून कलर का पूरा खत्म हो जाएगा, सो दैट फिर मुझे वापस वहां पे आना ही नहीं है, वो कलर में ब्रश डुबोना ही नहीं है। इसके लिए मैंने सोचा पहले पूरा ये तीन का शेडिंग एंड एवरीथिंग इज फिनिश्ड तो आई कैन मूव आउट विद द न्यू कलर। मेरा कंप्लीट हो चुका है। में पूरे कलर्स मेरे फ्लावर्स रेडी। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स येलो, तो फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा लगेगा ही। नाउ वी विल टेक इज पिंक कलर और थोड़ा स्काई ब्लू कलर में बनाती हूँ। फॉर दैट आई विल टेक ब्लू कलर एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वी विल गेट ए स्काई ब्लू कलर।
पूरे ब्राइट कलर से ही काम करना है, थोड़ा सा ब्लू एंड व्हाइट ज्यादा। मुझे एकदम लाइट कलर चाहिए, ज्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए। सो आई एम टेकिंग जस्ट, जैसे मैंने वो बनाया था मैरून कलर में, जितना ब्लैक डाला था उतना ही मैंने ब्लू लिया है, एंड द रेस्ट ऑफ आई विल टेक इज व्हाइट कलर। व्हाइट कलर भी व्हाइट ज्यादा लूंगी, ब्लू कम लूंगी। मेरे को स्काई ब्लू कलर बनाना है। पिंक कलर का ऑलरेडी मेरे पास शेड है पिंक का। मेरे को बहुत सारा ब्लू बनाना है 3-4 फ्लावर्स में, तो मैं इकट्ठा ही बहुत सारा कलर बना के सेम शेड मुझे चाहिए। सो फॉर दैट रीजन आई एड जस्ट 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जैसे मैंने आपको बताया था, व्हेन यू आर मिक्सिंग 2 कलर्स टुगेदर, जस्ट एड 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन इट। मेरा स्काई ब्लू कलर इज रेडी। बहुत ही बारीक काम है। डू इट वेरी पेशेंटली। ये सारे के सारे एडवांस कोर्सेज हैं, दीज आर नॉट द रेगुलर कोर्सेज। इसके साथ में, इसके ऊपर के पेटल्स में आई विल बी टेकिंग इज लैवेंडर कलर, पर्पल कलर। पर्पल कलर अगर आपके पास में नहीं है तो व्हाट विल यू डू? रेड कलर, ब्लू कलर और व्हाइट कलर को मिक्स कीजिए। मैं इसके साथ में पिंक कलर नहीं ले रही हूँ। वेयर इज माय पर्पल कलर? रेड एंड ब्लू कलर को मिक्स कीजिए, उसमें व्हाइट डालिए, तो ऑटोमेटिकली आपका लाइट पर्पल कलर हो जाएगा। वेयर इज माई पर्पल कलर? रेड एंड ब्लू को मिक्स, ये मेरा आ गया पर्पल कलर। बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास रेडी कलर है ही, मेरे पास शेड है पर्पल कलर का। तो अगर आपके पास में पर्पल कलर नहीं है तो वॉट यू विल डू? रेड एंड ब्लू मिक्स कीजिए थोड़ा थोड़ा, और उसमें बहुत सारा व्हाइट कलर डालिए, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट द शेड ऑफ पर्पल कलर। ठीक है,
ये फ्लावर्स में कलर कॉम्बिनेशन इज मस्ट, बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन आपका अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपके फ्लावर्स की डिजाइन बहुत ही सुंदर उठ के आएगी। अगेन आई विल बी टेकिंग येलो कलर। बी केयरफुल, आपके शेप्स नहीं बिगड़ने चाहिए, उसका खास ध्यान रखिएगा आप वाइल पेंटिंग। ओके, दिस वे ये मेरा दूसरा फ्लावर भी रेडी हो गया है। गॉट इट? इसी तरीके से विथ ऑल द कलर्स एंड कॉम्बिनेशंस, नाउ आई विल टेक लाइट पिंक कलर। ये पिंक कलर है, इसी में मैं थोड़ा व्हाइट और ऐड करूंगी, मुझे लाइट शेड बनाना है तो मैं थोड़ा व्हाइट लूंगी। इसमें मैं थोड़ा हल्का सा पिंक टचअप दूंगी। आई वॉन्ट अ वेरी लाइट कलर, मैंने लाइट पिंक कलर बनाया है। और एक फ्लावर वी विल डू इट विथ पिंक कलर। पहले बॉर्डर्स कंप्लीट कीजिए, देन इंटरनल फिलिंग ऑलवेज डू आफ्टरवर्ड, सो दैट आपका शेप्स खराब ना हो पेटल्स के, फ्लावर्स के।
मेरे साथ बातें कीजिए, नहीं तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। कुछ कमेंट्स पास कीजिए, मैं अपने काम में इतनी मशगूल हूँ, मुझे पता भी नहीं चलेगा आप लोग क्या कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है। प्लीज़ थोड़े कमेंट्स पास कीजिए तो मुझे भी पता चलेगा। हाउ इज़ द वर्कशॉप गोइंग ऑन? आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है कि बोर हो रहे हैं? नाउ आई एम टेकिंग ब्लू कलर। थैंक यू उपासना। इन बिटवीन बिटवीन में ज़रा आप देखती रह रही हूँ क्या कमेंट्स आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे हैं, तो मुझे भी पता चले। यस हिमा, इट इज़ इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी नाइस, लेकिन इसमें कंसंट्रेशन की बहुत ज़रूरत है। यू कैन नॉट मूव योर हैंड फास्ट। इसमें हाथ फास्ट घुमाने जाएंगे तो कलर्स आपके बिखर जाएंगे। यू हैव टू डू वेरी वेरी स्लोली एंड नाइसली, बहुत प्यार से हल्के हाथ से काम करना है ये वाला आज का सेशन का। अभी इसके अंदर आई विल बी फिलिंग इज येलो कलर। प्लीज बी केयरफुल, ब्रश में जरा भी पानी ना आए, पानी आ गया तो कलर्स अच्छे नहीं खिल के आएंगे, तो प्लीज बी केयरफुल, ब्रश में बिल्कुल पानी मत लीजिएगा। अभी इसके बीच में मैं रेड कलर लूंगी। आई विल चेंज द फ्लावर्स का टोन, मैं चेंज कर रही हूँ। मैं अंदर रेड कलर और डार्क मरून कलर डालूंगी। आई हैव टेकन रेड कलर। और इसके अंदर आई विल यूज इज ऑरेंज कलर। देयर इज माय ऑरेंज कलर। आपकी सोच कहाँ कहाँ दौड़ सकती है, कॉम्बिनेशंस आप क्या ले सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू। देर आर नो बाउंड्रीज फॉर दिस कलर। आप जितना कलर से खेल सकते हो इतना खेलिए। इसमें भी कल के जैसे जैसे कल आपने इतना पेशेंटली टाई एंड डाई का वर्कशॉप देखा, सबको इतना मज़ा आया, ये भी इतना ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। प्लीज बहुत ही कलरफुल पीस बनेगा ये वॉल पीस। सो आई वुड सजेस्ट सब लोग ये कैनवास के ऊपर बनाइए। आपके घर में आप कहीं पे भी कोई भी वॉल पे आप हैंग कर पाओगे, इतना ब्यूटीफुल आर्टवर्क बनने वाला है ये। दिस इज माई फ्लावर रेडी, हाउ इज इट, है ना? यस, कॉम्बिनेशंस करते आने चाहिए। कॉम्बिनेशंस अच्छे होंगे तो ऑटोमेटिकली फ्लावर भी अच्छा ही बनेगा। डोंट वरी फॉर दैट। ऑलवेज थिंग इज दैट कॉम्बिनेशंस अच्छे लीजिए, ब्राइट कलर्स लीजिए, डल कलर्स इसमें नहीं चलेंगे। नाउ आई विल टेक इस गोल्डन येलो कलर। गोल्डन येलो कलर का फ्लावर बनाएंगे, येलो गोल्डन येलो मैरून एंड ऑरेंज। वापस एक फ्लावर आई विल बी टेकिंग इस कंप्लीटली विद गोल्डन येलो कलर। गोल्डन येलो कलर आपके पास में नहीं है तो लेमन ऑकर येलो या जो भी येलो आपके पास में है उसमें आप थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स कीजिए, एकदम डॉट जैसा ऑरेंज कलर, तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट इज दैट गोल्डन येलो।
Automatically you will get golden yellow color. Whatever yellow color you have, ochre yellow, lemon yellow, उसमें आप एक डॉट जितना ऑरेंज कलर मिक्स करेंगे तो यू विल गेट इज गोल्ड येलो. दिस इज ऑल्सो अ वेरी सॉफ्ट कलर, ट्रांसपेरेंसी बहुत रहती है ये कलर में. सो यू विल हैव टू गिव अ सेकेंड कोट आफ्टर ड्राइंग. Let the color dry completely, then you give a second coat. इसमें आप लोग आज बोलोगे ना मैम जरा जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए, मेरे से नहीं होगा आज जल्दी जल्दी, बिकॉज इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग आर्टिकल टूडे आज का. मैं आपको कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ, अगर आपके पास में इतने सारे कलर्स नहीं हैं तो आई एम गिविंग यू द टिप्स हाउ टू मेक योर कलर्स अकॉर्डिंग टू दैट. तो उसके हिसाब से आप लोग भी वो कलर्स बना के सेम शेड्स दे सकते हो. इफ़ यू वांट यू ऑल कैन नोट डाउन इन योर बुक, टेक अ पेन एंड अ बुक, और आप इसमें सारे के सारे कलर्स आप नोट डाउन कर लीजिए कि कौन सा कलर किस में ऐड करेंगे तो कौन सा कलर बनेगा, कौन सा कलर. आपके पास में गोल्डन येलो कलर नहीं है, टेक येलो ऐड इन ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलर ऐड करोगे एक ही राई के दाने जितना करोगे तो ऑटोमेटिकली योर कलर शेड विल चेंज. नाउ आई एम अगेन यूजिंग इज रेड कलर, क्रिम्सन रेड कलर, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन गोज विद येलो ऑरेंज एंड गोल्ड येलो. तो मैंने इसमें ब्लैक और कुछ भी नहीं मिलाया है, सिंपली आई हैव टेकन रेड कलर. And I am coloring the petal. I have taken crimson red color. Again, I will be taking lemon yellow color. When you will be using दो या तीन shades different different same color के, तो automatically you will get the effect of shading. पैटर्न लेट वन कोट ऑफ गोल्ड येलो ऑल्सो ड्राई, उसके बाद में मैं सेकेंड कोट करूंगी. My one flower is ready. Is it? Yellow color का flower भी देखिए, मैंने एक ही दो color सिर्फ येलो, लेमन येलो एंड मैरून एंड ऑरेंज कलर से इसको शेडिंग दिया है. दिस इज ऑल्सो रेडी. नाउ
वी विल गो टू द मरून हो गया, रेड हो गया, अभी एक पर्पल कलर का फ्लावर कर देते हैं. सो आई विल बी टेकिंग वायलेट कलर. जस्ट होल्ड ऑन, समवन हैज कम. मेरे को एक मिनट के लिए, जस्ट वन मिनट. पता नहीं ये बच्चे लोग भी दोपहर को इतना परेशान करते हैं, बेल मार के भाग जाते हैं. नाउ आई एम टेकिंग इस पर्पल कलर. पर्पल कलर से मैं एक फ्लावर कर रही हूँ. इनको भी दोपहर को कोई काम धंधा नहीं रहता, इतना परेशान करके भाग जाते हैं. I have taken purple color. पर्पल कलर के अंदर आई विल टेक इस पिंक कलर. पिंक कलर मेरा खत्म हो गया है. अगेन आई हैव टू मेक अनदर कलर, लाइट पिंक कलर आई एम डूइंग. पिंक के अंदर वी विल टेक इज ब्लू कलर. आई एम टेकिंग मेरा ब्लू कलर जो मैंने बनाया था, वो ब्लू कलर है मेरे पास अभी कलर. सो आई एम एडिंग इन इज ब्लू कलर राइट नाउ. नाउ ब्लू के अंदर आई विल बी टेकिंग इज गोल्ड येलो कलर. सो ये मेरा छोटू सा फ्लावर इज ऑल्सो रेडी विथ पर्पल पिंक ब्लू एंड येलो कॉम्बिनेशन. ओके सो ये भी एक मेरा फ्लावर रेडी हो गया है. इन सेम वे अगेन विथ स्काई ब्लू कलर से ही हम और एक फ्लावर बना लेंगे. मेरा हो जाएगा एक फ्लावर स्काई ब्लू से. एड सम वाटर इन इट, सूखने को आया है. एड ऑन व्हाइट कलर थोड़ा सा, तो लाइट कलर हो जाएगा. मैंने बहुत सारा व्हाइट डाला है, ब्लू बहुत कम लिया है इसमें. इट इज जस्ट लाइक अ स्काई ब्लू कलर. बिल्कुल भी ब्लू कम है, व्हाइट ज्यादा है इसमें शेड में. नाम का ही ब्लू कलर है.
नाउ इसी ब्लू में मैं थोड़ा सा ब्लू ऐड करूंगी तो थोड़ा डार्क शेड बन जाएगा मेरा. वेयर इज माय ब्लू कलर. आई विल टेक सेरेलिन ब्लू कलर. इसमें थोड़ा सा मैं ब्लू ऐड करूंगी तो आई विल गेट इज अ डार्क शेड ऑफ ब्लू. इसी में ही मैं थोड़ा ऐड कर रही हूँ. मेरा पूरा शेड चेंज हो जाएगा. एंड आई विल गेट अ लिटिल डार्कर शेड. इन बिटवीन दैट मैं प्योर सेरेलिन ब्लू कलर ले रही हूँ. नथिंग आई एम एडिंग नथिंग. नो कलर्स कुछ नहीं. डायरेक्टली आई एम मेकिंग अ डार्क शेड. तो मेरे फ्लावर पूरा ब्लू शेड से मेरे पूरे शेड्स सिंगल एक ही कलर में मेरा पूरा फ्लावर रेडी हो गया. इसके सेंटर में मैं येलो कलर डालूंगी. येलो नहीं तो ऑरेंज भी डाल सकते हैं. बहुत येलो हो गया है. सी मैं दिस फ्लावर इज ऑल्सो रेडी है ना. ऐसे ही विथ ऑल द डिफरेंट शेड्स एंड कलर्स आप लोग सब फ्लावर्स अलग 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 टोन से कर सकते हो. आई विल बी टेकिंग नाउ डायरेक्टली डार्क पिंक कलर. में इसमें कोई कलर ऐड नहीं कर रही हूँ. एंड मैं दूसरा फ्लावर अभी ऐसे ही करूँगी. I've not added anything. डायरेक्टली मैंने ये पिंक कलर लिया है. पिंक कलर से ही मैंने उसको पूरा फ्लावर को मैंने कलर स्टार्ट किया है करना. फर्स्ट बॉर्डर लाइंस, फिर अंदर का. आप एक ही कलर्स में वाइट ऐड करते जाओ, डार्क कलर्स बनाते जाओ एक ही शेड से, फिर भी बहुत सुंदर बनेगा. अभी यही शेड में मैं थोड़ा वापस हल्का सा वाइट ले रही हूँ और पिंक ज्यादा ले रही हूँ. एक शेड डार्क होगा ये. थोड़ा सा ही मैंने इसमें वाइट मिलाया है. जस्ट अ शेड, अ टिंच ऑफ वाइट. थोड़ा एक शेड टोन लाइट बनेगा इससे. जस्ट वन शेड. मेरे ब्रश में जितना वाइट आया मैंने उतना ही लिया है. और मैं इजीली अभी ब्रश को घुमा रही हूँ तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ वाइट आएगा वहाँ वहाँ शेड बनता जाएगा. Got it?
नाउ मैं इसके अंदर व्हाइट कलर से ही फिलअप करूंगी. आई एम नॉट पुटिंग येलो नॉर ऑरेंज, मैं सिर्फ व्हाइट कलर से ही इसको फिलअप कर रही हूँ. सो ये हमारा पिंक अभी जो मैंने किया, दिस फ्लावर इज ऑल्सो रेडी. अभी मैंने ये वाला फ्लावर किया था. ओके अभी ये लैवेंडर कलर जो है इसको और लाइट कर देंगे. आई एम एडिंग लैवेंडर कलर में व्हाइट, इसमें ज़्यादा व्हाइट डालेंगे. आई एम मेकिंग इट स्टिल मोर लाइटर कलर. फुल फ्लावर विल बी ऑफ लैवेंडर कलर ओनली. पर्पल कलर से ही मैं फ्लावर कर रही हूँ, बट इट विल गो फ्रॉम लाइट टू डार्क. तो मैं पहले इंटरनल पूरा लाइट कलर फिलअप करूंगी. फिर इसी में मैं थोड़ा सा डार्क और शेड करूंगी, एक शेड डार्क जाऊंगी मैं इससे भी. एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट मैं अभी पूरा उसको डार्क पर्पल से ही भर दूंगी. आई डू नॉट नो माई फ्रेंड्स वेदर यूर लाइक, आप लोग मजा ले रहे हो या गेटिंग बोर्ड, मुझे कुछ भी पता नहीं है. आई एम वेरी मच बिजी इन माई पेंटिंग. सो गाइज सॉरी टुडे, ज़्यादा मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स के जवाब नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज आई एम वेरी मच बिजी इन माई पेंटिंग टुडे. जस्ट गिविंग अ वाइट से एक स्ट्रोक दे रही हूँ जस्ट फॉर शेडिंग पर्पज. जहाँ जहाँ पे ब्रश में कलर आएगा वहाँ वहाँ पे ऑटोमेटिकली शेड पर्पल का बनता जाएगा, लाइट शेड. जस्ट आईव टेकन अ टिंज ऑफ पर्पल कलर इन माई ब्रश, और जहाँ जहाँ ब्रश जैसे जैसे घूम रहा है वैसे वैसे शेडिंग आती जा रही है. सो ये पर्पल कलर का फ्लावर इज ऑल्सो रेडी. मैंने अभी ये वाला फ्लावर बनाया. ओके नाउ फ्लावर्स का तो आपको समझ में आ गया आप लोग को सभी को. नाउ वी कैन मूव टूवर्ड्स इज द लीव्स का पोर्शन. पत्तियां कैसे बनाएंगे आप, लेट मी फिनिश वन फास्ट. मैंने बताया बोला है कभी एक फ्लावर में बना देती हूँ. अगेन आई हैव टेकन गोल्ड येलो कलर, येलो बहुत हो गया है, ब्लू कलर से ही कुछ करते हैं नया. येलो एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन. आई एम टेकिंग सेरेलिन ब्लू कलर, डार्क शेड ऑफ ब्लू. जितने ब्राइट कलर्स लोगे उतना आपका पेंटिंग सुंदर बनेगा.
सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, नो रॉकेट साइंस, ओनली कमाल है तो कॉम्बिनेशंस का, नथिंग एल्स। हो गया मेरा और एक फ्लावर। दीज फ्लावर्स आर ऑल इमेजिनेशन, इसमें आप कोई भी कैसा भी कौन सा भी कलर कहीं पे भी यूज कीजिए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि बड में येलो कलर ही चाहिए, इसमें ये कलर ही चाहिए। आप अपनी सोच दौड़ाइए और आप कलर्स कीजिए, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कलर्स में। जितना कलर से खेलोगे उतना आपका आर्टिकल इतना सुंदर बनेगा। ओनली थिंग इज ब्रश 1 नंबर और 0 नंबर ही लिए। थैंक यू हिमा, एंजॉयिंग द आर्ट। ये देखिए हाउ इज इट, है ना ब्यूटीफुल, सुंदर लग रहा है। अभी ऐसे ही आपके पूरे फ्लावर्स आपके मन मर्जी से आपके करने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू इज द पार्ट विद द ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से लीव्स एंड पेटल्स कैसे बनाने हैं दैट आई विल बी शोइंग यू। बाकी के कलर्स अभी मैं बंद कर देती हूँ। आई विल बी रिक्वायरिंग इज ओनली ग्रीन के शेड्स, डार्क ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर, ऑलिव ग्रीन कलर। तो मैं बाकी के कलर्स के कैप्स बंद कर देती हूँ अभी, सो दैट वी कैन मूव टूवर्ड्स द ग्रीन पार्ट। अभी लीव्स का जो करना है, बाकी का आर्टिकल मैं आपको वर्कशॉप खत्म होने के बाद में कंप्लीट करके आई विल शेयर यू माय फिनिश्ड आर्टिकल पिक्चर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक इज सैप ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीनरी कलर एंड पैरेट ग्रीन कलर। फर्स्ट इसकी जो स्टेम्स हैं, स्टेम्स वी विल ऑल डू इट विद वन कलर ओनली। पहले स्टेम्स का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। आई एम टेकिंग दिस इज, ये फेविक्रिल का न्यू कलर है ग्रीनरी करके, ब्लू कैप में आते हैं और इसमें भी आते हैं। तो आई विल कंप्लीट ऑल द स्टेम्स विद दिस सिंगल कलर। बहुत ही सुंदर कलर है ये।
सेम वे, ये गला भी बहुत पतला है, सो यू हैव टू गिव अ सेकेंड कोट ऑल्सो आफ्टर ड्राइंग. लेट मी ट्राई विथ दिस ग्रीन कलर. अगर ये कलर सही चल रहा है तो वी विल डू एवरीथिंग विद दिस ग्रीन ओनली. यस, ये भी इतना ही पतला है. दिस इज मोर ब्राइटर देन दैट. वो लीव्स में ले लेंगे हम. ये ग्रीन भी इतना ही पतला है तो इसको भी सूख जाने के बाद में सेकेंड कोट कंपलसरी देना पड़ेगा, बिकॉज दिस कलर इज ऑल्सो वेरी वेरी सॉफ्ट कलर. एंड सॉफ्ट है तो इसमें भी डबल कोटिंग करनी पड़ेगी अपने को. सेम वे पूरी स्टेम्स एक ही कलर से करनी है. डोंट चेंज द कलर फॉर द स्टेम. स्टेम का कलर चेंज, नो नीड ऑफ आउटलाइन. आउटलाइन करने की जरूरत नहीं है हिमा जी, बिकॉज पूरा कलर अपना हो गया और ब्लैक बैकग्राउंड है, तो बिकॉज ऑफ दैट नो नीड ऑफ गिविंग एन आउटलाइन. आउटलाइन देने की जरूरत नहीं है इसमें. अगर आप देना चाहते हो तो यू कैन गिव इट वाइट कलर, लेकिन बहुत पतली आउटलाइन देनी पड़ेगी. इसमें आउटलाइन देने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑटोमेटिकली अपना पूरा आर्टिकल इतना भर के आ जाएगा तो फिर इसमें आउटलाइन देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बैकग्राउंड पूरा ब्लैक है तो आउटलाइन देने की जरूरत नहीं है. सेम वे आप पूरे स्टेम्स फ्लावर्स के ऐसे भर दीजिए. नाउ आई विल शो यू द शेडिंग ऑफ द लीव्स. लीव्स को कैसे करना है. सेंटर पार्ट ऑफ द लीफ आई एम टेकिंग इज लेमन येलो कलर. लेमन येलो कलर एक मैंने ले लिया है. देन आई विल बी टेकिंग लाइट ग्रीन कलर. इसके बाद में एक शेड डार्क ग्रीन कलर आई एम टेकिंग. बॉटल ग्रीन कलर है जो. आई एम टेकिंग येलो, लाइट ग्रीन कलर एंड बॉटल ग्रीन कलर. इतना होने के बाद जो आपका बॉर्डर का बाहर का कलर आएगा उसी कलर से, हाउ सी व्हाट आई एम डूइंग नाउ. बिल्कुल थोड़ा सा आपको कलर लेना है एंड इसको बाहर की आउटर पोर्शन में हमें अभी इससे स्ट्रोक्स लेने हैं, सो दैट लीव्स की वेन्स. एक डॉट दीजिए, लाइन खींच लीजिए, डॉट दीजिए, लाइन खींच लीजिए, डॉट लीजिए, लाइन खींच लीजिए. यू विल गेट द शेप ऑफ द लीव्स. ये देखिए, गॉट इट. ये मैंने लीव बनाया अभी.
सेम वे गिव अ बॉर्डर लाइन लीफ को टिप पे कलर लीजिए। टिप पे कलर लेने के बाद में सिंपल स्ट्रोक्स देने हैं, पतले पतले स्ट्रोक्स, बड़े स्ट्रोक्स मत दीजिएगा। आपके इसमें जीरो कलर नंबर का ब्रश ही लेना पड़ेगा। या फिर जो सिंपल स्ट्रोक्स, थिन कलर के स्ट्रोक्स देने हैं आपको, पतले पतले सिंपल स्ट्रोक्स। जस्ट ड्रैग योर ब्रश एंड गिव स्ट्रोक्स। आई विल शो यू वन मोर। ओनली टिप पे कलर लीजिए आप, सिंपल टिप पे कलर लीजिए एंड ड्रैग योर ब्रश, ऊपर से नीचे ड्रैग कीजिए ब्रश को। ऐसे सेम वे ऑपोजिट साइड, टिप पे ही कलर देना है, टिप से नीचे ड्रैग कीजिए। ये देखिए दिख रहा है, ये अपने पीकॉक के फेदर्स कैसे बन जाते हैं, वैसे पीकॉक के फेदर्स बन जाएंगे। सेंटर में येलो लगाइए, येलो होने के बाद में लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन के बाद में डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन लेने के बाद में सिर्फ टिप पे कलर लीजिए। टिप पे कलर लेने के बाद में गिव सिंपल स्ट्रोक्स। आप पीकॉक के फेदर्स के जैसे स्ट्रोक्स देते हैं वैसे स्ट्रोक्स दीजिए, तो आपका लीफ पूरा रेडी बन जाएगा। सेम वे जितनी भी लीव्स है, कलर रेस्ट ऑफ द लीव्स विद द ग्रीन कलर डिजायर, आपको जो कलर पसंद है उससे आप कीजिए। और ऐसे आपका पूरा आर्टिकल आप कंप्लीट कीजिए। मेरा आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा, मैं उसके बाद में व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैं पोस्ट कर दूंगी। एज यूजुअल जैसे मेरा आर्टिकल कंप्लीट होता है मैं करती हूँ, आई विल पोस्ट माई आर्टिकल इन द ग्रुप, क्योंकि इसको तो अभी और बहुत टाइम लगेगा। एज सून एज आई विल फिनिश आई विल पोस्ट माई आर्टिकल।
सो गाइस, कैसा रहा, कैसा लगा आज का सेशन आपको? एंजॉय किया? सो इन दिस वे धीरे 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 पूरा करते करते आई विल कंप्लीट माई होल आर्टिकल, आई विल कंप्लीट माई होल आर्टिकल। जैसे ये है, आई हैव कंप्लीटेड दिस, इसकी बॉर्डर्स एंड ऑल दैट आई विल गिव, मेरे को इसमें बॉर्डर्स भी सब देनी है। ऐसे ही सेम वे आई हैव डन दिस ऑल्सो, इसी तरह से ये भी मैं पूरा फ्रेम अपना कंप्लीट करूंगी। आई विल पोस्ट इट इन द ग्रुप। होप सो आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया है। एनी क्योरीज, कुछ पूछना है तो आई एम देयर फॉर 2-3 मिनट्स लाइव राइट नाउ, यू ऑल कैन आस्क मी। एंड इफ नॉट, कोई क्वेश्चंस नहीं है, थैंक यू स्तुपा। एनी क्वेश्चंस व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो। एंड दिस वे वी विल, टुडे आई एम कंप्लीटिंग माय सेशन एंड मीट यू सून अगेन वेरी नेक्स्ट वीक। टुमारो मेरे दूसरे टीचर्स है आपकी, वो कल कौन सा लेने वाली है, आई डोंट नो, आई फॉरगॉटन विच, कल कौन सा आर्ट लेने वाली है वो। सो जैसे आज आप लोग सब लोग 3 बजे रेडी हो गए थे विथ योर प्रेशियस टाइम, प्लीज बी रेडी टुमारो ऑल्सो एंड एंजॉय क्राफ्टिंग, एंजॉय पेंटिंग, एवरीथिंग। आपके आर्टिकल सब कंप्लीट कीजिए, सबमिशंस दीजिए। एंड एंड ऑफ द वीक वी विल बी, जो आपने पूरे आर्टिकल जब तक अभी तक के जितने सिखा दिए हैं वो आर्टिकल सब कंप्लीट करके सबमिट कीजिए। यू विल बिकम द, वी आर प्लानिंग समथिंग फॉर दैट, कि कुछ तो कुछ उनका एक कोलाज बनाएंगे और उनको वीक क्वीन ऑफ द वीक जैसा कुछ बनाएंगे, और ग्रुप में उनको फोटोज और उसके आर्टिकल्स एंड एवरीथिंग साथ में हम लोग पोस्ट करेंगे। एंड वी विल, मतलब कुछ ना कुछ उसका अच्छा करेंगे। सो अच्छे से अच्छे फटाफट आप लोग अपने आर्टिकल्स कंप्लीट कीजिए और सबमिट कीजिए। सो टुडे आई एम कंप्लीटिंग एंड एंडिंग माई सेशन टुडे। बाय बाय, सी यू सून टुमारो अगेन एट 3 o'clock। कल मेरी दूसरी कलीग है, वो अपना सेशन लेंगी, कल मैं नहीं आ रही हूँ। बैक टू बैक मैंने 2 सेशंस ले लिए थे। कल मेरा दूसरा वर्कशॉप है डोकरा आर्ट का, सो आई एम बिजी विथ दैट ओवर देयर। सो कल मैं आपके साथ में नहीं रहूंगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल माय स्टूडेंट्स मेंबर्स, बाय बाय।